मित्रों, मैं अमरेश कुमार श्रीवास्तव नव चेतना यूट्यूब चैनल की तरफ से आपसे दो बातें करने आया हूँ। आज अपन श्रीमती इंदिरा गांधी के बारे में आपको कुछ बातें बताऊंगा। श्रीमती इंदिरा गांधी का जन्म 19 नवंबर 1917 में हुआ था। जन्म से ही इनको इनकी विरासत में राजनीति मिली थी। ये जवाहरलाल नेहरू अपने देश के पहले प्रधानमंत्री की सुपुत्री थी, ये एक बात संतान थी उनकी। इन्होंने शुरू से ही राजनीति को देखा है, समझा है और परखा है और उसी वातावरण में, राजनीतिक माहौल में इनका जीवन निकला है। जब एक मात्र 13 वर्ष की थी तो इन्होंने अपने साथ के बालकों को, अपने हम उम्र लोगों को लेकर के एक चरखा संघ बनाया था जो पॉलिटिकली या राजनीतिक रूप से आंदोलनों में भाग लिया करता था। उसके बाद 1930 में इन्होंने एक बानर सेना ब्रिगेड बनाया था जो कि आंदोलनों में भाग लेता था और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के काम किया करता था। 1942 में इनका विवाह श्री स्वर्गीय फिरोज गांधी से हुआ। ये गुजरात के रहने वाले थे, जात समाज से पारसी थे। इनके विवाह के बाद ही कुछ समय बाद ही इनको सरकार ने गिरफ्तार कर लिया और इनको जेल भेज दिया गया। यह इनकी पहली जेल यात्रा थी। उसके बाद भारत स्वतंत्र हो गया और भारत स्वतंत्र होने के बाद 1959 में, 60 में और 1978 में ये अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष बनाई गई। उससे पूर्व 1956 में इनको अखिल भारतीय महिला प्रकोष्ठ का अध्यक्ष बनाया था। इस तरीके से इनका पूरा जीवन इसी राजनीति में लगा रहा। 1964 में लाल बहादुर शास्त्री के मंत्रिमंडल में इनको सूचना एवं प्रसारण मंत्री बनाया गया। उसके बाद 11 जनवरी 1966 में ताशकंद में, जब शास्त्री जी के मृत्यु के बाद इंदिरा जी देश की तीसरी या पांचवी प्रधानमंत्री बनी। तीसरी इसलिए कि नेहरू जी की मृत्यु के बाद गुलजारीलाल नंदा को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया था और इसी तरीके से शास्त्री जी की मृत्यु के बाद गुलजारीलाल नंदा को फिर कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया था। इंदिरा जी पहली बार 24/1/1966 में प्राइम मिनिस्टर बनी, प्रधानमंत्री बनी और उस वक्त भी कांग्रेस के जो बुजुर्ग कांग्रेस के सदस्य थे या सीनियर लोग थे वो इंदिरा जी के पक्ष में नहीं थे, मगर वर्तमान उस वक्त के कामराज नाडर जो राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो इंदिरा जी को चाहते थे कि ये प्रधानमंत्री बने। इस बीच की में चुनाव हुआ, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सभी सदस्यों ने वोट डाले और इंदिरा जी को 355 मत मिले। उनके खिलाफ मोरारजी देसाई चुनाव लड़े थे और उनको 169 ही वोट मिल पाए। इस तरीके से पूर्ण बहुमत प्राप्त करने के बाद इंदिरा जी ने प्रधानमंत्री की गद्दी 24/1/1966 को प्राप्त की और शपथ ली। इंदिरा जी जब प्रधानमंत्री बन गई उसके बाद उनकी सोच, उनकी दृढ़ निश्चितता, उनकी दूरदर्शिता और उनका दृढ़ विश्वास उनकी नीतियों से झलकता था और उन्होंने कई ऐसे निर्णय लिए जिससे इस देश में तरक्की हुई, विकास हुआ और इसलिए उनको आयरन लेडी कहा जाने लगा। प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद उन्होंने कई चुनौतियों का सामना किया पर हर बार अपनी दृढ़ता से, अपने विश्वास से, मजबूती से उसमें उन्होंने विजय प्राप्त की। अगले मंगलवार को मैं प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बारे में आपको कुछ बातें बताऊंगा, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। मित्रों, अगर मेरा ये चैनल आपको पसंद आया है तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जिससे मेरा उत्साह बढ़ सके। अगर इसमें कोई त्रुटि आप पाते हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद।